आपको 499 प्रॉपर नवरात्रे वाला बूफे मिलने वाला है जिसमें 20 प्लस आइटम्स हैं। क्या करना है अच्छे से पैसा हमने यहाँ पर अपना क्या करना है वर्ड नहीं आ रहा यार। तो यार आप सबने बारबेक्यू नेशन, पायरेट्स ऑफ ग्रिल, एब्सोल्यूट बारबेक्यू तो बहुत सुना होगा, लेकिन आज जहां हम आए हैं वहां भी बूफे ही मिलता है और ये है बारबेक्यू 29 जो कि है फरीदाबाद में। के साथ वेलकम बैक टू चैनल दो मस्ताने। तो आपको लेके चलते हैं अंदर जो कि है बारबेक्यू 29। जैसे ही हम एंटर करेंगे यार सीटिंग देख लो, सीटिंग बहुत ही अल्टीमेट है। ये है इनका बार जहाँ से आपने अगर कोई भी ड्रिंक हो आप ऑर्डर कर सकते हैं। फ्रेंड्स ग्रिल आ चुका है जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो यार अगर आप देखेंगे तो सैल्सा पोटैटो यहाँ आ चुका है और ये बिल्कुल सेम ही है जैसे कि हमें बारबेक्यू नेशन या फिर एब्सोल्यूट बारबेक्यू में मिलता है। यहाँ पर हमें डिमसम भी मिलेगा। डिमसम अगर आप बारबेक्यू नेशन में गए हैं वहाँ का लंच या डिनर बूफे ट्राई करा है वहाँ पर डिमसम नहीं मिलते हैं यार। क्या क्या आ चुका है तो हमारा ग्रिल बिल्कुल तैयार हो रहा है। यहाँ पर ग्रिल लग गया था जैसे देखा था, अब यहाँ पर टिक्केज आ गए हैं सारे के सारे, तो बस आप इंजॉय करेंगे यार। सबसे पहले यहाँ पे आ गया हमारा पनीर टिक्का यार, देख लो जैसे कि आप देख पा रहे हैं पाइनएप्पल। अच्छा अच्छा ये वो वाला पाइनएप्पल नहीं है जैसा हमें वहाँ पे मिला था ना हनी कोंब जो बड़े वाला है ना। एब्सोल्यूट बारबेक्यू का पाइनएप्पल सबसे ही अलग था। ये आ गई हमारी चाप, साथ में आ गई मशरूम। मशरूम यार सबसे पहले मैं तो शुरुआत करना चाहूंगा पापड़ी चाट से, और देखिए जो काफी लोगों के फेवरेट होते हैं यार तो वो भी आ गए हैं। और ये है हमारा क्रिस्पी कॉर्न। तो यार मैं तो भाई पापड़ी चाट से शुरू करूंगा क्योंकि मेरी तो फेवरेट है यार। और यार पापड़ी चाट की प्रेजेंटेशन आप एक बार देख लो यार, कैसे रिंग्स यहाँ पर बना रखी है, कितना बढ़िया लग रहा है। और ये है सबसे पहले मैं बताऊँ ऊपर सेव जो पूरी होती है, सेव भी है ऊपर, साथ ही यार हरी चटनी आ गई है, साथ ही लाल चटनी। तो ज़रा टेस्ट कर लेते हैं यार। ओए हो अल्टीमेट सुपर आपको। ओह वाओ क्या बात है। ये वाटरमेलन फिश। ओके क्या टेस्ट आने वाला है। चीयर्स चीयर्स गाइस। ये भी काफ़ी अलग है यार। मैं बोलूँगी कि हमें वाटरमेलन का तो टेस्ट आ ही रहा है, तरबूज का टेस्ट आ रहा है, साथ में नींबू का भी आ रहा है, तो काफ़ी अच्छा सा यूनिक टेस्ट दे रहा है। और उसमें जो टेस्ट आ रहा था वो किस चीज़ का था जरा मैं टेस्ट करना चाहूँगी। इसको टेस्ट का ज़्यादा पता होता है यार क्योंकि यार मतलब इसकी अगर मैं कहूँ ना ये देखने में बहुत यम्मी मतलब बढ़िया तरह की लग रही है, ऐसा मुझे शेक टाइप लग रही है ये, और मुझे आइसक्रीम लग रही है यार ऊपर आइसक्रीम है। तो आइसक्रीम का था मैं सोच रहा था, इसमें वनीला का टच आया है, वनीला का इसमें, मतलब मुझे ये ज़्यादा अच्छी लग रही है यार। तो आपको डिमसम एक बार दिखाता है जो हमारा आ गया। अब जरा यार सबसे पहले मतलब मैं तो खा ही चुका हूँ, वैसे पपड़ी चाट से शुरुआत करती है अब मेरा जो मन कर रहा है। लेकिन हम पपड़ी चाट ज्यादा नहीं खाएंगे क्योंकि दही है, दही से पेट जल्दी भर जाएगा। पेट जल्दी भरेगा। कहाँ आए हुए हैं? बारबेक्यू में। बारबेक्यू में। तो भाई पैसा भी हमने अच्छे से यहाँ पर क्या करना है, अच्छे से पैसा हमने यहाँ पर अपना क्या करना है वर्ड नहीं आ रहा यार। तो यार इसमें हमने अच्छे तरीके से पैसा जो है पैसे को ना पूरा अच्छे से ना सब कर देना, सेव करना हमें। अरे तो यार बस तो यार जितना हमने पे किया ना हमने उसका पूरे का फायदा उठाना है, हमने सारी चीजों का आनंद लेना है और टेस्ट लेना है। ये नहीं कि हमने पपड़ी चाट खा ली तो उसमें पेट भर गया, अभी बहुत कुछ आने वाला है। तो यार स्टीम मोमोज ट्राई कर लेते हैं। ओए होए होए जो मोमोज है ना यार, मतलब देख रहे हो बड़ा महीन मतलब पतला ना इसकी बाहर की कवरिंग, बहुत कवरिंग देख रहे हो, कवरिंग बहुत पतली कवरिंग है इसकी, बहुत सही लग रहा है, पकड़ के लग रहा है, ये भी नहीं है कि टूट रहा है। और अंदर से देख लो यार स्टफिंग कितनी बढ़िया है, देख रहे हो क्या गाजर कैप्सिकम पनीर सभी कुछ है, सभी कुछ है, कुछ डाला हुआ है, सब कुछ है यार। तो सीसमी सीड्स की चटनी दी गई है यहाँ पर, और साथ ही साथ जो एक है वो लाल चटनी है यार। चटनी अच्छी है यार, क्रिस्पी कॉर्न जो है ना यार मेरे फेवरेट है, मतलब मैं ये कहूंगी एक नंबर यार, बनाते हैं ना ये मतलब जान डाल देते हैं यार उसमें। तो यार पनीर टिक्का टेस्ट कर लेते हैं फटाफट से। तो यार वही हुआ देखो, अगर आप ना इसको एक ही जगह रखेंगे ना घुमाएंगे नहीं तो ऐसे ब्लैक पड़ जाता है, तो इसका ध्यान रखना यार। इस साइड से देखो ज़्यादा नहीं, उस साइड से पूरा का पूरा काला पड़ गया। वाह तो यहाँ पर देख लीजिए गोलगप्पे भी आ गए। ये आपका स्वीट से रहेगा। अच्छा ये स्वीट जूस है, स्वीट पानी, ये स्वीट वाटर रहेगा और ये सॉल्ट है, ये अपना खट्टा पानी है। अगर आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे तो आपको काफ़ी खाली खाली दिख रहा होगा,
तो ये हुआ क्या है कि एक्चुअली जब ऑर्डर्स कम होते हैं तो आपके टेबल पे ही सब कुछ जो कि आइटम्स होते हैं खाने के, स्टार्टर्स हो गया, मेन कोर्स हो गया, आपके ड्रिंक हो गई, वो सर्व करा जाता है। आपको 499 प्रॉपर नवरात्रे वाला बूफे मिलने वाला है जिसमें 20 प्लस आइटम्स हैं। इससे अच्छी डील मुझे लगता नहीं कि कहीं मिल सकती है आपको यार। सारे मतलब पूरा ऐसा लगे जैसे पहले स्टार्टर्स आएंगे, देन मेन कोर्स होगा, देन डेजर्ट्स होंगे, साथ में आपको ड्रिंक भी मिल जाएगी। और जो आइटम्स है वो 20 प्लस है, उसमें आपको क्या चावल, क्या रोटी, क्या दही, क्या रायता, क्या चिप्स, क्या पापड़, क्या बहुत कुछ मिलने वाला है। अगर आप शौकीन मतलब खाने का और ट्राई करना चाहते तो एक बार बारबेक्यू 29 की तरफ नज़र मार लेना। अब है हमारे मेन कोर्स की बारी। तो मेन कोर्स के जिसमें कितना कुछ है यार, सब आपको, इसके अलावा जो हमने सारा का सारा स्टार्टर्स खाया था और साथ में ड्रिंक्स भी देखी होगी, इसके बाद ये हमारा डेजर्ट्स भी है 499 का टोटल है 583 या 538। तो ये इस टाइम हमारे पास जो आइटम्स पड़ी हुई हैं वो 10 आइटम्स हैं और साथ में हमने लिया बटर रोटी, आप कोई भी रोटी ऑर्डर कर सकते हो और साथ में हमें रायता भी मिल चुका है और सैलेड भी है। यार सैलेड जो है काफ़ी कलरफुल लग रहा है, ये देख लीजिए, तो मतलब देखने में तो यार पास्ता भी मिला है यार। पास्ता भी आपको दिखाते हैं, तो पास्ता भी हमें यहाँ पे और रोटी देख लो पूरा बटर के साथ में छोड़ी हुई रोटी है। और मैं कहूँ दाल मखनी है ना जो उनसे गर्मा गर्म है और ऊपर से देख लो कितना ही बटर डाल रखा है, देख लीजिए। अगर मैं आपको एक एक बारी सारी चीजें दिखाऊँ ना तो ये है आलू गोभी, आलू गोभी देख लीजिए कितनी बढ़िया लग रही है आलू गोभी। साथ में अगर मैं बिरयानी दिखा दूँ आपको, माय गॉड, ये देख लो क्या ही लग रही है बिरयानी। और उसके साथ देख लो ये है पनीर, पनीर पनीर निकाल कर लबाबदार गार्निश किया गया है इन्होंने अदरक और धनिया के साथ, जो कि देखने में काफी बढ़िया लग रहा है यार, टेम्पटिंग लग रहा है। साथ में आ गया कड़ी, कड़ी पंजाबियों की कड़ी यार, पंजाबियों की, ये देख लो कितनी बढ़िया लग रही है। नूडल्स और मंचूरियन और साथ में सलाद, नूडल्स खा लेते हैं थोड़ा, नूडल्स और छोले भी हैं यार साथ में, व्हाइट छोले। ये नूडल्स भी सिंगापुरी है, बड़े पतले हैं, पतले वाले बड़े पतले वाले आ गया जी, पतले वाले नूडल्स। और जो वेजीज है ना वो भर के डाल रखे हैं, ये नहीं कि बस काम चलाऊ काम कर दिया, एक नंबर लग रहा है यार ये नूडल्स। देखो एक बार झलक मार लो यार, क्या लग रहे हैं यार, वाह जी वाह, सच में टेस्टी है, अल्टीमेट। ओए ओए महीन नूडल्स मैं कहूंगी इसे, पतले, बिल्कुल पतले नूडल्स, बहुत ही बढ़िया यार। ओए ओए आ गया मुंह में पानी है, नहीं एक डंपलिंग भी खाया था मैंने, मंचूरियन जो होता है वो ही बड़ा मस्त बन रहा है। स्पाइसी नहीं है, स्पाइसी नहीं है, वेजेस का बड़ा अच्छा वाला क्रंच आ रहा है, बहुत बढ़िया। फिर मैं बिरयानी देख लेती हूँ क्योंकि मेरा तो स्टार्टर से काफ़ी पेट फुल हो चुका है, तो मैं हल्का हल्का ही खाऊंगी। बिरयानी भी यार काफ़ी बढ़िया लग रही है, देख रहे हो जो गार्निश किया हुआ है ना इसे, मतलब हर एक वेजिटेबल इसमें भी डाल रखी है। और इसे ज़रा टेस्ट करते हैं एक बार, आप भी देख लो ज़रा, बोलूँगी बिरयानी के बारे में। एक तो जो राइस है बहुत बढ़िया वाला राइस इन्होंने यूज़ किया हुआ है, साथ ही साथ इन्होंने धनिया, पुदीना, काफ़ी सारी वेजिटेबल्स और साथ में इन्होंने जो ऊपर से अनियन डाले गए हैं ना, कैरमलाइज अनियन जो ऊपर से डले हुए हैं, उसने भाई फ्लेवर ही ना बहुत बढ़िया दे दिया, बहुत टेस्टी लग रही है ये। मैं ज़रा छोले खा लेता हूँ यार, पिंडी छोले, और छोलों का जो कलर आ रखा है ना भाई, MDH है या फिर दूसरा है, कोई भी मसाला है भाई, बहुत बढ़िया तरीके से तैयार कर रहा है यार। तुम बिरयानी खा लोगे ना, मतलब जो खड़े मसाले होते हैं उस पर इतना अच्छा टेस्ट आ रहा है ना, बहुत बढ़िया। छोलों में मुझे नमक ज़्यादा लगा, वैसे बहुत मस्त है। हाँ ज़रा गोभी देख लेते हैं यार, गोभी कैसी है यार, काफ़ी अलग तरीके की बन रखी है, थोड़ा हल्का हल्का सा मीठा इसमें टेस्ट आ रहा है, हल्का हल्का सा, साथ ही साथ जो है गोभी का ना जो टिपिकल टेस्ट होता है सूजी बनती है वो आ रहा है यार। जो दाल मखनी है ना, मतलब एक तो उसमें बटर इतना डाला हुआ है, मतलब प्रॉपर इसे कहते हैं ना मखनी वाली दाल, वैसी वाली दाल है, और मतलब टेस्ट वाइज भी काफ़ी बढ़िया ही होने वाली है। तो मैं तो ये बोलूँगा भाई ओवरऑल बहुत सही लगा यहाँ का। तो यहाँ पर डेजर्ट्स में पेस्ट्रीज थी, केक्स थे, फ्रूट्स से जो कटे हुए थे, और भी काफ़ी सारी चीज़ें थी, वो तो हमने नहीं खाया क्योंकि यार खा के ना काफ़ी ज़्यादा भर गए ऊपर तक। हमने जो लिया वो यहाँ पर देख लो यार, ये सारे चीज़ें लिए, ये जो है ये है मूंग दाल का हलवा, और ये है गुलाबी खीर, और साथ ही है ये छोटे वाले गुलाब जामुन,
तो ये सब लिए और इसको एंजॉय करेंगे यार। तो यार बुफे खा के तो यार मजा ही आ गया, मुझे बहुत वर्थ इट लगा यार। आपको यार इनका जितना भी प्राइसेस है इन वीकेंड्स और वीकडेज में लंच और डिनर का, वो सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही इनका जो गूगल मैप का लिंक होगा वो भी मिल जाएगा यार। में दे देंगे। और इनका जो टाइमिंग रहता है वो सुबह 12 बजे से रात 11 बजे तक रहता है, तो आप आके एंजॉय कर सकते हैं। इसी के साथ आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, डू वॉच, डोंट मिस, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दो।